18 सितंबर 2017 के स्टडी आईक्यू के इस पीआईबी लेक्चर में मैं प्रशांत मावनी आप सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार, कल संडे था तो कल पीआईबी नहीं था, तो आज देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको हमारे स्टडी आईक्यू के जो पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, बैंक, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स है या फिर स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम्स है, तो ये सारी अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं। इनकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो ये है कि भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इन्हें डिज़ाइन किया है, तो अगर आपके पास यह नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा तो आज ही इसे ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो फील फ्री टू गिव अस ए कॉल ऑन दिस नंबर, और बाकी की सारी जो डिटेल्स है, आपके डाउट्स है, वो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपकी वो क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा हमारी studyiq.com की वेबसाइट के ऊपर चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। दिन में हम कई बार मिस्टेक्स करते हैं, इजंट इट? और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, राइट, प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए या किसी भी महात्मा को ले लीजिए। इनफैक्ट गांधी जी की जीवन के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है। बेसिकली मिस्टेक्स क्या होती है फ्रेंड्स, वो कोई डेड ब्लॉक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मिस्टेक्स की तो रास्ता ख़त्म हो गया। नो, मिस्टेक्स इसीलिए होती है क्योंकि आप उसको, जो आप चीज़ कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से कर सके। और मुझे बखूबी याद है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार सिलिकॉन वैली गए थे अमेरिका में, तब उन्होंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही। वहाँ का जो बिजनेस कल्चर है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी कंपनी फेल होती है तो डेफिनेटली अगर आप फेल हुए किसी भी प्रोजेक्ट में तो नेचुरली आपने कोई मिस्टेक्स की होगी, इज़न्ट इट? तो वहाँ पे मिस्टेक्स को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? आपको एक छोटी सी पार्टी देनी होती है और दूसरी जो कंपनीज है वहाँ पे आएंगे और आपसे सीखेंगे कि आपने मिस्टेक्स कैसे की, हमें बताइए आपके पीछे जो फेलियर का रीज़न है वो क्या है। तो यही कारण है ये लोग मिस्टेक को या फिर फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी फेलियर को सेलिब्रेट करना मतलब के उसके ऊपर एनालिसिस करना और देखना कि कौन कौन सी गलती हो गई और किस तरह से हम इस गलतियों को फ्यूचर में ना करें। तो यही हमारी स्टडीज़ के साथ भी होना चाहिए। अगर आप के दिन में आपने कोई टारगेट तय किया है कि आज के दिन में मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा और नहीं हो पाई, राइट, और कोई भी मिस्टेक हो गई, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ये सब के साथ होता है। मिस्टेक्स को बहुत ही लाइटली लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल, हर कोई इसी में से गुजरता ही है, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं आज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ऑफ कोर्स ये आप में से बहुत लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये मुंबई की फिलहाल जो हाल ही में थोड़े दिनों पहले मुंबई में जो बारिश हुई उसी की पिक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न आपको सिविल सर्विसेज की मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए। आपको अर्बन प्लानिंग के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में, फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रश्न हर साल होते ही होते हैं, इज़न्ट इट? तो अच्छा है कि हम इसके ऊपर थोड़ी हमारी पकड़ बना लें, जिससे कि मेंस में अगर आपके पास इस तरह के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है तो भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी आज के लेक्चर में से। अगर इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो भी आपको दो तीन अलग अलग प्रश्नों के लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएंगे, और लिखने होते हैं आपको 200 शब्दों में आंसर, तो तीन चार पॉइंट्स मिल गए, तीन चार लाइन्स मिल गई, तो नियरली आपका हाफ या फिर 30-40% का तो काम हो गया। बाकी तो हम डिस्कस एवरीडे करते ही हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी और आपका एक आंसर प्रिपेयर हो गया। एनीवेज, देखिए हाल ही में क्या हुआ था गाजीपुर में, दिल्ली में, कि एक बहुत बड़ा ये जो कूड़े का पहाड़ था, तो बारिश आ गई तो ये स्लिप हो गया और इसके साथ ये लोगों को भी अपने साथ ले गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी भी डूबी हुई है। इसी तरह से फ्रेंड्स, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके पीछे ऑफ कोर्स बारिश ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, लेकिन
जिस जब जब हमने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में एनालिसिस की थी, तब मैंने आपके सामने 5-6 पॉइंट्स रखे थे। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे रीज़न थे, एक तो नेचुरल रीज़न थे और मैन मेड रीज़न थे। तो नेचुरल रीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश है, और दूसरा जो नेचुरल रीज़न है वो है कि हाई टाइड थी वहाँ पर, तो उस हिसाब से भी पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम का वो नहीं जा पा रहा था, राइट। क्योंकि जब हाई टाइड होती है तो जो समुद्र का पानी है उसकी जो सरफेस है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, तो इससे भी पानी जो समुद्र का है वो थोड़ा सिटी के ओर आ गया था। तो ये दो कारण थे। लेकिन मैन मेड कारण के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो वन ऑफ द शर्मजनक, एक आप कह सकते हैं बहुत ही शेमफुल इंसिडेंट जो हुआ या सामने आई चीज़ें, वो ये है कि बहुत सारी जो ड्रेनेज सिस्टम थी, बहुत सारे पाइप्स थे जो गटर का पानी लेकर जाते हैं, तो उसमें हम ही लोग, राइट, हमारे देश में ही ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि वेफर का पैकेट खा लिया और डस्टबिन की जगह कहीं पर भी फेंक दिया। अगर डस्टबिन में भी डालते हो तो चीज़ें ये हो रही है कि म्यूनसिपलिटी जो है वो ऐसे पहाड़ बना देती है, और जब बारिश आती है तब ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं। कई बार इसमें आग भी लगती है, तो बहुत पोल्यूशन भी इससे क्रिएट होता है। और आप यहाँ पर, मैं देखिए इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ बता सकता हूँ कि इस पिक्चर, ये जो पिक्चर है उसमें नियरली, राइट, नियरली 50% जो ये चीज़ें हैं इन पहाड़ों में वो प्लास्टिक होगा, इजंट इट। और यहाँ पर भी जो ड्रेनेज ब्लॉक हुई थी तो प्लास्टिक वन ऑफ द मेन रीज़न था। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, क्या इस प्लास्टिक का हम क्या करें, ये प्रॉब्लम जो है अगर हम डस्टबिन में भी डालते हैं तो भी ये सिचुएशन हो रही है, तो इसको कैसे रिसाइकल किया जाए, इसका कैसे हम, इसमें से कैसे हम रिसोर्स बना सकें। देखिए फ्रेंड्स, भारत में एवरी डे, राइट, सिंगल एवरी सिंगल डे 15,000 टन जितना प्लास्टिक का वेस्टेज जनरेट होता है, 15,000 टन। अगर एक ट्रक की एवरेज हम माने कि एक ट्रक में आप 20 टन जितना सामान टो कर सकते हैं, तो आप सोचिए कितने ट्रक्स आपको चाहिए 15,000 टन जो ये पूरा कचरा है। और ये सिर्फ प्लास्टिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड है, ये बेसिकली प्लास्टिक से बनाया गया रोड है, तो ये इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि दिस रोड इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। तो क्या हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्या एक ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इस प्लास्टिक का यूटिलाइज़ करना। प्लास्टिक को अगर हम रोड में इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो है, तो ये हो गई कि ये जो इतने बड़े बड़े पहाड़ है वो हमारे सामने से निकल जाएंगे, इजंट इट। सेकंड चीज़ ये है कि प्लास्टिक, ये जो रोड बनाने के लिए जो दूसरे मटेरियल्स चाहिए, और रोड बनाने के लिए जो दूसरे मटेरियल्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं। और भारत में आपको पता है आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है, इनफैक्ट सिटी में भी आप देख सकते हैं कि बहुत जगह, बहुत एरिया में रोड्स इतने अच्छे नहीं होते। तो क्यों ना हम इन प्लास्टिक का उपयोग इसमें करें, और इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमी ऊपर लानी हो, और इकोनॉमी ऊपर आएगी तभी दूसरी चीज़ें, डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं, गरीबी हटानी, ये वो, न्यू इंडिया का टारगेट जो है 2022 का, ये अचीव करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, तो उन्होंने ये कहा है, उनके स्टडी ये बताती है कि भारत में 21,000 माइल्स, याद रखिए किलोमीटर नहीं है, माइल्स है, 21,000 माइल जितना रोड तो प्लास्टिक का फिलहाल बन चुका है, और आगे भी दूसरे भी रोड्स बन रहे हैं। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये कैसे कर सकते हैं हम, देखिए प्लास्टिक नॉर्मल जो रोड है उसमें हम ब्यूटेमिन का उपयोग करते हैं, और इसके साथ प्लास्टिक को भी अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या करना होगा कि सैंड और जो पत्थर हैं या फिर जो रेत है वो सारी चीज़ें, इसके साथ ब्यूटमिन को हीट करना होता है। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको ये डिग्रीज याद नहीं करनी है कि कितने डिग्रीज तक आपको 165 डिग्री तक सैंड एंड स्टोन चिप्स को गर्म करना है या फिर ब्यूटुमेन को 160 तक गर्म करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों चीज़ों के साथ, और ये चीज़ ब्यूटुमेन जो है ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, MCQ में आपको ये पूछा जा सकता है कि रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए या फिर प्लास्टिक से बनाए रोड या प्लास्टिक रोड हाल ही में न्यूज़ में देखे गए थे, तो उसके साथ कौन सा मटेरियल मिक्स होता है। तो याद रखिए सैंड एंड स्टोन चिप्स और ब्यूटमिन, ये दो चीज़ें बेसिकली इसके साथ मिक्स होती है। जब हम इसे मिक्स करते हैं
तो इसका जो आउटकम है वो ये होता है, प्लास्टिक के साथ जब इसको मिक्स किया जाए तो जो रोड बनेगा फ्रेंड्स, वो रोड बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि इसकी जो ये तीन केमिकल्स अगर आप मिला दें तो आप पाएंगे कि इनकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही सुपीरियर होगी। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्यूटामिन को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे भी थोड़ा पोल्यूशन क्रिएट होता है, कार्बन एमिट होता है, तो वो भी कम हो जाएगा, प्लास्टिक भी अपनी जगह पर यहाँ पे समा जाएगा, और इससे भी प्लास्टिक जो है आपको पता है ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, तो इससे रोड भी ख़राब नहीं होंगे। अगर ज़्यादा बारिश भी हो गई तो रोड बिगड़ नहीं पाएंगे, रोड में जो गड्ढे बन जाते हैं बारिश के बाद वो नहीं क्रिएट होंगे। और आपको एक चौंकाने वाला अगर फिगर भी बताऊं तो भारत में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सीडेंट्स जो है, रोड एक्सीडेंट्स, वो इंडिया में होते हैं। ऑन एवरेज आप समझ लीजिए एवरी डे अगर एक प्लेन विमान दुर्घटना हो जाए तो उसमें फॉर एग्जांपल 350 लोग एक साथ जब मर जाते हैं ऐसी ऐसी दुर्घटना में, तो एवरी सिंगल डे रोड पर इतने लोग तो मरते ही हैं इंडिया में, राइट। और अगर सिर्फ खड्डों की ही बात करें तो एवरी ईयर 10,000 लोग, कितने, 10,000 लोग एवरी ईयर सिर्फ खड्डों के हिसाब से मौत का शिकार बन जाते हैं, तो ये भी कम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बेंगलोर में भी इसको एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, और बेंगलोर में इनफैक्ट 600 किलोमीटर के जितने रोड हैं, 600 किलोमीटर के रोड प्लास्टिक को ब्लेंड करके बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी लॉन्च कर दी है, नोटिफाई कर दी है कि प्लास्टिक ब्लेंडिंग किस तरह से किया जाए, और ख़ास करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत ही सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग इसमें किया जा सके। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जो रोड्स हैं, आज कई बार हमने इस टॉपिक के बारे में बात की है कि किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वो वेस्टेज को एक रिसोर्स मानते हैं, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें रिसाइकल होती है, ऑर्गेनिक मैन्यूर उसमें से पैदा करते हैं वो लोग, फिर प्लास्टिक को रोड के ऊपर रोड के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसका ही यहाँ पे उपयोग कर रहा है, तो उससे उसकी लागत भी कम आती है, और इसके साथ साथ उनका जो मिशन है या फिर जो डिप्लोमेटिक टाइज आगे बढ़ानी है तो उसका काम भी चल जाता है। भारत के प्रोफेसर आर वासुदेवन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर आर वासुदेवन, इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, नॉट एट ऑल। इनको प्लास्टिक मैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक के ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी रिसर्च की है। ये तमिलनाडु की एक बहुत अच्छी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो हाल ही में उन्होंने एक प्लास्टोन नाम का एक आप समझ लीजिए नया एक सब्सटेंस बनाया है, और बेसिकली ये जो सीमेंट के ब्लॉक्स हम देखते हैं, राइट, जो सीमेंट की ब्रिक्स होती है या ब्लॉक्स होते हैं, तो उसकी जगह ये प्लास्टोन्स उन्होंने फाइंड किए हैं, और ये प्लास्टोन्स जो हैं ये नॉन पोरस हैं, इसका मतलब है जो स्पॉन्ज में जैसे कैसे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये नहीं होता है इसमें। आपको पता है कि अगर सीमेंट के ऊपर पानी गिरे तो भी सीमेंट एकदम नॉन यूजेबल हो जाती है, राइट, और कई बार उसके ऊपर जब धूप गिरती है तब उसमें क्रैक्स भी हो जाती है, तो इससे वो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, वो उसके डाउन साइड हैं, डीमेरिट्स हैं सीमेंट के, लेकिन प्लास्टोन में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये वाटर रेजिस्टेंस रहते हैं, और इसका प्रयोग उन्होंने केनाल बनाने में, आप सोचिए कि अगर हम केनाल बनाते हैं जो पानी को पहुँचाने के लिए, तो उसमें सीमेंट की जगह अगर हम इस प्लास्टोन का उपयोग करें तो ये पोल्यूटिंग भी नहीं है और वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो इससे जो पानी है वो ज़मीन में भी नहीं उतरेगा, तो पानी हम बहुत सेव भी कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर पहुंचा भी सकते हैं। तो दिस आर द गुड थिंग, तो प्लास्टोन इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर साहब का नाम इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने बात की वो आपके मेंस के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये एग्जांपल्स भी उसमें डाल सकते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के 2015 नवंबर की गाइडलाइंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे टॉपिक की ओर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आज सितंबर का महीना चल रहा है और आप में से कई लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सितंबर, एवरी सितंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है।
क्या है यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो मनमोहन सिंह साहब है या अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये सारे लोगों ने यहाँ पर इस जगह पे अपने अपने भाषण दिए हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मतलब ही आप समझ लीजिए कि दुनिया के सारे जितने भी देश हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। जनरल असेंबली है, तो एक एक तरह से यहाँ पे एक मीटिंग होती है और ये जो जनरल असेंबली है वो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज़ है इसके बारे में, जो बेसिक चीज़ों के अगर हम बात करें, तो विश्व युद्ध दो, वर्ल्ड वॉर दो के बाद 1949 में, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब 1949 में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। उस टाइम पे 50 कंट्रीज इसके मेंबर थे और इसका जो मेन पर्पस था, क्योंकि इन्हीं 50 सालों में, राइट फ्रॉम 1900 टू 1945, उससे भी कम टाइम में दुनिया ने दो वर्ल्ड वॉर देखे, राइट, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू में तो हमने न्यूक्लियर वेपन्स का भी उपयोग देखा कि किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी छोड़े गए, तो बहुत तबाही का माहौल था उस टाइम पे। तो ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए दिस वॉज द मेन पर्पस, के मेन पर्पस ये था कि भैया वर्ल्ड वॉर थ्री ना हो जाए आने वाले थोड़े टाइम में, और हो सके तो कभी ना हो, यही एम के साथ ये 50 कंट्री मिले और यूनाइटेड नेशन की स्थापना की। अब जनरल असेंबली की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये आप समझ लीजिए एक तरह से वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, जो हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, आप फॉर एग्जांपल लोकसभा जैसे है, तो उसी तरह से ये पूरी दुनिया की एक पार्लियामेंट है। तो हर देश इसमें जस्ट लाइक ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही इसमें भाग लेते हैं। 193 कंट्रीज है, इसके अलावा भी दूसरे कंट्रीज हैं, लेकिन जो ये 193 कंट्रीज हैं ये फुल परमानेंट मेंबर हैं, तो यही वोट कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज जैसे कि पैलेस्टाइन है, या फिर पैलेस्टाइन के साथ और एक कंट्री है, फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, वेटिकन, यस, वेटिकन एंड पैलेस्टाइन, तो ये जो दो कंट्रीज हैं, राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा भी दूसरे कंट्री है, लेकिन इन दोनों के एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि ये दो कंट्रीज हैं वो इस असेंबली में भाग ले सकते हैं, वो बातें सुन सकते हैं एक्सेट्रा, लेकिन जो वोटिंग का टाइम आता है तो ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं कर सकते। तो फुल टाइम ऑफकोर्स इंडिया इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर में भी इंडिया था 50 कंट्रीज में, तो 193 कंट्रीज यहाँ पे मिलेंगे, तो आप समझ लीजिए 193 लोग ही यहाँ पे मिलेंगे, उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन समझने के लिए 193 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे मिलेंगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है चीज़ें वो है सिक्योरिटी और पीस, किस तरह से दुनिया में शांति कायम रहे, और अगर शांति रहती है और सिक्योरिटी रहती है तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हाल ही में आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताऊँ तो कश्मीर में जिस तरीके से हालात चल रहे थे, अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अटैक हुआ, तो उससे तुरंत ही वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है वो इंपैक्ट हो गया, इज़न्ट इट, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी भी जगह पे अगर शांति नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, पीस नहीं है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। इसके अलावा जो जनरल असेंबली है उसमें रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, यानी कि जो जैसे हम देखते हैं हमारी संसद में कि किस तरह से उसमें बिल पास किए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं, तो सेम रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, और ये जो रेजोल्यूशंस हैं तो वो पूरी दुनिया के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हर किसी से यही उम्मीद की जाती है कि इन रेजोल्यूशन का पूरा पालन करे, और उसका भी पीछे जो मेन एम है वो है कि दुनिया को बेटर फ्यूचर देना, राइट, ये मेन कोर चीज़ जो है यूनाइटेड नेशन असेंबली की, कि दुनिया को बहुत एक अच्छा फ्यूचर देना। तो बात ये चल रही थी करंट अफेयर्स में, ये है कि सुषमा स्वराज जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, तो वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुकी है, वहाँ पे सैटरडे को ये सेशन को अटेंड करेगी, एड्रेस करेगी वो। इसके अलावा हाल ही में इन दिनों के बीच, आज सोमवार है तो बीच के दिनों में वो ट्राइलेटरल मीटिंग, यानी कि तीन देशों की मीटिंग होगी, इसमें USA और जापान के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में सेक्रेटरी कहा जाता है, सेक्रेटरी साहब के साथ मिलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और जापान के फॉरेन मिनिस्टर, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे दुनिया को किस तरीके से ले जाना है एक्सेट्रा, और इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं ये तीन देशों के बारे में, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स के बारे में भी बात चल रही है, रिफॉर्म्स का मतलब है कि इसमें कितने सुधार किए जा सकते हैं। देखिए, आज हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने आपको मिस्टेक्स के बारे में बात की, इज़न्ट इट, तो रियल लाइफ में भी यही होता है कि जब हम कोई भी चीज़ करना शुरू कर देते हैं तब बाद में हमें पता चलता है कि ये खामियाँ हैं, तो इसको सुधारा जाए, और सेम थिंग अप्लाइज टू यूनाइटेड नेशन एज वेल। तो आपने देखा कि 1945 में डेवलप हुआ है, तो आज उसके बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं, राइट, नियरली 75 ईयर्स जितना पुराना हो गया है यूनाइटेड नेशन, तो डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूशन को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो 120 कंट्री हैं, 120 कंट्री वो चाहते हैं
कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसकी मीटिंग को चेयर करेंगे और इसी के साथ 120 कंट्रीज अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे और कहेंगे किस किस तरीके से इसमें चेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरी चीज़ की ओर। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से न्यूज़ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो ट्राइबल्स हैं, भारत के जितने भी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो ब्रिटिश के सामने जो एक स्ट्रगल चली थी आज़ादी के लिए, तो उनमें जो ट्राइबल्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग जगहों से, तो उन उस जगहों पर म्यूज़ियम बनाए जाएंगे। इस म्यूज़ियम को बनाने से एक प्रकार से भारत जो है वो एक सैल्यूट भी प्रोवाइड करेगा, एक उनकी मेमोरी को भी ताज़ा रखेगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको भी हम चेरिश करेंगे कि किस तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने आज़ादी के टाइम पे किस तरीके से, या फिर आज़ादी की जो पूरी प्रक्रिया है उनमें उनका कितना बड़ा रोल है। ये बात इसके साथ ही, ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो बात हुई थी वो कल हुई थी गुजरात में, और इसी बात को करते हुए प्रधानमंत्री ने साधु बेट के बारे में भी कहा है। साधु बेट बेसिकली एक छोटा सा रिवर आइलैंड है। देखिए हम दूसरे आइलैंड्स देखते हैं, इज़न्ट इट, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, कैरेबियन आइलैंड्स है, श्रीलंका भी एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट आइलैंड कहा जाता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कोई भी एरिया हो तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये साधु बेट जो है वो रिवर आइलैंड है, रिवर में भी आइलैंड हो सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाए कि साधु बेट जो है वो किस नदी में पाया जाता है, तो रिमेंबर कि ये नर्मदा रिवर में पाया जाता है। और इसी थी यही साधु बेट जो आइलैंड है, इसी के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की जो बड़ा स्टैच्यू है, जो हम एक न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क का जो बड़ा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे भी दो गुना साइज में बड़ा स्टैच्यू हम बना रहे हैं भारत। तो इससे बहुत सारा टूरिज्म आएगा, इससे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल है आज़ादी में और किस तरीके से उन्होंने यूनियन पूरे इंडिया को इकट्ठा रखा आफ्टर आज़ादी, तो इसको भी हम चेरिश करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री साहब ने 1857 से लेकर 1947 में जो सेक्रीफाइस किए हैं तो उनके बारे में भी बात की है ट्राइबल्स के। और आज ही मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, ये करंट में है, तो इस न्यूज़ के साथ नहीं थी लेकिन मैंने सोचा कि आई शुड शेयर दिस विथ यू। देखिए 1842 में एक ट्राइबल किंग थे जिसका नाम था शिल्पित सिंह। तो ये शिल्पित सिंह के तहत इनकी एक छोटी सी आर्मी थी, तो इन आर्मी या फिर आप कह सकते हैं इनके ध्वज के तहत एक लश्करिया अम्बा नाम का एक फाइट हुई थी, लश्करिया अम्बा, और ये ब्रिटिश के साथ हुई थी और ये सक्सेसफुल रहे थे ब्रिटिश लोगों से एक समझौता करने में, एक एग्रीमेंट करने में, जिससे कि उनको आज भी सरकार को यहाँ की जो ट्राइब है, ये गुजरात में बेसिकली लोकेटेड है, तो गुजरात की ये जो ट्राइब है उनको आज भी सरकार से, गवर्नमेंट से पेंशन मिलता है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 1842 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही रिसेंट है, जनरली ऐसी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में नहीं आती, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार में से ये चीज़ मुझे मिली है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरी चीज़ के बारे में। होम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली स्टेट किया है, क्लियरली बताया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी चर्चा हम नहीं करेंगे जब तक वो अपनी नेफेरियस एक्टिविटीज़ है या जो बदमाशियां हैं, ये टेररिस्ट अटैक करना या फिर घुसपैठियों को यहाँ पे भेजना, ये सारी एक्टिविटीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक भारत किसी भी तरह की बात करने के लिए राज़ी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे। अगर आप हम पे अटैक कर रहे हैं, पहली गोली हम कभी नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आपने एक गोली चलाई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना भारत की क्षमता है और भारत करेगा भी। इसके अलावा न्यू इंडिया के बारे में अब देख रहे हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है तो न्यू इंडिया को पूरा जोर दे रही है, चाहती है कि हर कोई इसके साथ जुड़ जाए। और इसके जो मेन एम है वो ये है कि गरीबी को हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, करप्शन को भारत से नाबूद करना, इलिट्रेसी को हटाना, टेररिज्म और नक्सलिज्म, ये जो इश्यूज़ हैं इसको बाई 2022 भारत को एक बहुत ही अच्छा देश बना देना, यही मेन एम है न्यू इंडिया बाई 2022 का। फ्रेंड्स दूसरी जो चीज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है और ये अंडमान निकोबार से रिलेटेड है। वहाँ पे 13 सितंबर से बहुत बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण तेज़ हवा चल रही थी, तो जो ओशियन है वहाँ पे जो सी है अंडमान सी, तो ये सी बहुत ही रफ हो गया था बे ऑफ बंगाल में, तो इसके हिसाब से जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे तो वो बाहर नहीं निकल पाए थे, वो वहाँ पे फंस गए थे, तो इन्हीं को रेस्क्यू करने के लिए नेवी ने एक ऑपरेशन किया और इसमें दो शिप
यूज़ की गई है, एक है INS बंगाराम और दूसरी है INS बातीमाल, और ये जो दो शिप है ये फास्ट अटैक क्राफ्ट क्लास की शिप है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए। कई बार आपको अहमदाबाद निकोबार में हाल ही में ऑपरेशन किया तो उसमें कौन कौन सी शिप्स यूज़ की गई थी, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। बंगाराम एंड बातीमाल, बेसिकली 78 लोगों को इसमें से रेस्क्यू किया है, उनको फ़िलहाल शिप में ही ठहराया गया है क्योंकि वेदर ख़राब था और शिप में ये सारी फैसिलिटीज़ थी, तो उनको खाना पीना ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिए। फैमिली के वाले लोग थे, 10 महिलाएं थी, 10 मैन थे और छोटे बच्चे भी थे, और इसके अलावा 54 ऑफिसर्स को भी रेस्क्यू किया है। लेकिन यहाँ पर हमारी बात ख़त्म नहीं हो जाती फ्रेंड्स। अंदमान निकोबार के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर इंडिया है, ऑन वेस्टर्न साइड आपको अरेबियन सी मिलेगा, ऑन ईस्टर्न साइड यू हैव बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में आप साउथर्न साइड थोड़े जाएं तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा एरिया है, दिस इज़ अंदमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट, ये भारत का यूनियन, दिस इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदमान सी है, फिर इंडियन ओशियन भी यहाँ पे है, बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल में ही है, तो पूरा जो वाटर है ये इंडियन ओशियन का ही है, लेकिन इसके छोटे छोटे डिविज़न किए गए हैं। एनी वेज यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, राइट, तो आप देखिए यहाँ पे अगर अंदमान निकोबार है तो यहाँ पे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसके बहुत ही नज़दीक है, इज़न्ट इट। और न्यूज़ एनालिसिस में भी हमने बात की थी किस तरीके से चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने म्यांमार में भी एक पोर्ट बनाने की बात कर रही है या फिर काम शुरू है। बांग्लादेश ने भी कहा है कि यस हमें वन बेल्ट वन रोड में शामिल कर लो, हमें यहाँ पर पोर्ट बना दो, ये सारी चीज़ें चल रही। हम्बन टोटा तो एक फेल हो गया उनका प्रोजेक्ट, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कंपनी अब घुस गई है चाइना की, तो इस एरिया को कवर कर रही है, और तो इसके हिसाब से, और ये हमारा आइलैंड है तो इसके हिसाब से भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। फिर एक झारवा ट्राइबल कम्युनिटी है, राइट, झारवा जो है इनकी खासियत ये है, ये दुनिया के सबसे पुराने फिलहाल ये कम्युनिटी में से एक है, झारवा कम्युनिटी ओल्डेस्ट कम्युनिटी है ट्राइबल की, और ये इतने हमसे बिल्कुल ही, अगर आप सोचें, मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप इनको, हम जो खाना खा रहे हैं वो भी अगर आप इनको प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग बीमार हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं, ऐसे केसेस भी हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि ये जो झारवा का एरिया है वहाँ पर किसी को टूरिज़म अलाउड नहीं है, ये जो कम्युनिटी है वो उनको अपनी तरीके से जीने दो, वो जैसे रह रहे हैं उसको रहने दो, उनकी सेफ्टी हमारा दायित्व है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, झारवा कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स जियोग्राफी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 10 डिग्री जो है ये 10 डिग्री चैनल है, आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना, चैनल बेसिकली ये है कि यहाँ पर एक वाटरवे है, राइट, तो दिस इज़ अ वाटरवे, और ये अंदमान और निकोबार आइलैंड के बीच में से निकलती है 10 डिग्री चैनल। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल आपको कहाँ पे मिलती है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे मिलती है, 8 डिग्री चैनल कहाँ पे मिलती है, तो जब 10 डिग्री आए तो याद रखना कि अंदमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलती है। इसके अलावा जो इंडिया में ओनली वोल्केनिक एरिया जो है वो यहाँ पे है अंदमान में, बैरन आइलैंड है, तो बैरन आइलैंड के ऊपर एक्टिव वोल्केनो है, तो ये चीज़ के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ ही जो आगे बढ़ते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हरिकेन इरमा आया था, लेकिन अब दूसरी चीज़ सामने आ रही है, एक ट्रॉपिकल स्ट्रॉम बन रहा है, उसका नाम है मारिया, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे सामने आई है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये जो स्केल है हरिकेन को कैटेगरी में देना, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कैटेगरी जो है इसकी जो स्केल है इसका नाम है सेफिर सिम्पसन स्केल, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसके ऊपर भी अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी प्रोवाइड की थी तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, स्टॉर्म सर्ज के बारे में भी हमने डिटेल में बात की है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़े ही दिनों के पहले जो इरमा टाइम के जो हमारे लेक्चर्स हैं PIB के, तो उसके ऊपर एक नज़र घुमा दीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। इसी के साथ आपको कैरेबियन आइलैंड्स की एक छोटी सी शेयर करा देता हूँ, हमने इसके पहले भी इसके बारे में बात की है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, ये सारे कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, राइट, ब्राज़ील और वो सारे ईस्ट कॉन्टिनेंट में है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा और वो नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे छोटा सा ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स है इसे कैरेबियन आइलैंड कहा जाता है। इसी के साथ ही आपके सामने थोड़े प्रश्न रख रहा हूँ, यहाँ पे है कि
किस कैरेबियन कंट्री के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा 8 डिग्री और 9 डिग्री जो चैनल है वो भारत में कहाँ से निकलती है, भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में ओजोन आपको किस लेयर में मिलता है, और इसी के साथ ही वर्ल्ड का जो ओजोन डे था 23rd, तो उस ओजोन डे की जो थीम है वो क्या है। प्लीज़ आप अपने आंसर्स लिख कर भेजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू गेट योर पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने आंसर पोस्ट कर दिए हैं फिर भी आप अपना आंसर सेंड कीजिए, राइट। मैं हर आंसर को, आपकी हर कमेंट को पढ़ता ही हूँ, एंड आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू टेक एक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसके बारे में, अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स पता है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और शेयर दिस लेक्चर एंड दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। विद दिस आई एंड दिस लेक्चर हियर, आई विल सी यू ऑल सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, टेक केयर, गुड बाई।